आखिर किसान आत्महत्या करने को क्यों ना हो मजबूर। मध्य प्रदेश में एक और कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, जिसके कारण ज्यादातर लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वहीं प्रदेश का अन्नदाता भी कोरोना महामारी के साथ बिजली समस्या को लेकर खासी परेशानियों का सामना कर रहा है। बता दें कि प्रदेश में लगातार हो रहे सत्ता परिवर्तन के चलते किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के लिए 5 HP के मोटर पंपों के लिए विशेष छूट देने की बात कही थी, वहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही मामा शिवराज सिंह चौहान ने बस नियमों में बदलाव कर दिए, जिसका खामियाजा सीधा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। लाइट चाहे आए या ना आए, किसानों को बिजली भी नहीं मिल रही तो भी भरमार बिल आ रहा है। रीवा जिले के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां लाइट तो आती है मगर ऐसी मानो चिमनी जल रही हो, जिसने ना तो घर के लाइट अच्छे से जलते हैं ना ही मोटर पंप, लेकिन बिल आज भी हजारों में आ रहा है। एक और कोरोना की मार ऊपर से सरकार की मार ने किसानों की मानो कमर तोड़ दी हो। वहीं इसको लेकर किसानों ने बताया कि त्योथर तहसील क्षेत्र के गड़ी, सोहरवा, रेही, सराई आदि ऐसे कई गांव हैं जहां लोग मोटर कनेक्शन लेने के बाद भी खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और बिल विद्युत विभाग को पूरा दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि जिस तरह एक तरफ विद्युत विभाग द्वारा हजारों रुपए का बिल इन किसानों के सर पर बोझ की तरह रख दिया जाता है और दूसरी तरफ फसल की सिंचाई न होने से फसल नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों को मजबूर होकर आत्महत्या जैसे घिनौना कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां किसान अरुण सिंह के खेत में लाइट के खंभे तो लगा दिए गए थे और विद्युत विभाग द्वारा बिल भी हजारों रुपए कनेक्शन चालू होने के पहले ही किसान के हाथों में थमा दिए जाते थे। कड़ी मशक्कत और वहां के जैन को फोन लगाने के बाद इसी तरह वहां पर ट्रांसफार्मर लगा, जिसके कारण खेत मालिक को विद्युत की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। विद्युत खराब होने पर विद्युत विभाग में शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं। फोन लगाने पर वहां के कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते। ऐसे कई मामले रोजाना सामने आते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर जलने या लाइट खराब होने पर वहां के लाइनमैन द्वारा पैसे वसूले जाते हैं। अगर पैसे दिए तो लाइट का काम किया जाता है और ना दिए तो वहां की जनता को अंधेरे में ही रहना पड़ता है। बिल की बात करें तो लाइट रहे या ना रहे, ट्रांसफार्मर जलने के बाद कई महीनों तक लाइट की रिपेयरिंग नहीं की जाती और बिल लोगों के घरों तक हर महीने पहुंच जाता है और उन्हें मजबूर होकर कहीं ना कहीं से बिल भरना ही पड़ता है। यहां तक कि उनके बच्चे भी इस लाइफ के प्रकाश में नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें पढ़ाई करने के लिए लालटेन मोमबत्ती का भी उपयोग करना पड़ता है। क्या शिवराज सरकार में भी अन्नदाता छोटे बड़े किसानों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? जहां रीवा के सभी विधानसभा में बीजेपी की सरकार है और वहां के सभी विधायक भी बीजेपी के ही हैं, फिर भी इन किसानों को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सवाल यह उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में शिवराज मामा का राज और शिवराज सरकार होने पर भी किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? अच्छी तरह से लाइट न जलने और मोटर पंप न चलने पर भी हजारों रुपए बिजली बिलों का भुगतान ऐसे ही करना पड़ेगा? रीवा से कैमरामैन दीपक सिंह के साथ विशेष संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। विद्युत को लेकर आपके गांव में किस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं? अरे हमारे गांव में ना तो कोई मोटर चलता है, ना घर की कूलिंग पंखा चल रहा है, ना मोबाइल चार्ज हो रहा है, सिर्फ स्क्रीन लाल होती है। आज 10 दिन से लाइन मैन कहा जाता है तो लाइन मैन कहता है कि यार आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों, ऐसे करते करते 10 दिन हो गए। हमारे लोग धान ये सूख रही है, न मोटर चल रहा है, न कूल चल रहा है, हम लोग गर्मी में हम मर रहे हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी समस्या लेकर न पटवारी आता है, न कोई SDM आता है, न कोई आता है, हर लोग इसी तरह के मर रहे हैं। अधिकारी जाते हैं तो यहाँ भगा देते हैं डांट करके। क्या बिल कितना आ जाता है आपके मोटर का और घर का? बिजली का बिल 300-400 रुपये महीना आता है इस समय। घर कभी 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 700-800 आता है, कभी 100 रुपया आता है, कभी 800 रुपये देने लगते हैं। कोई विद्युत का कर्मचारी आपके यहाँ रीडिंग वगैरह चेक करने आता है कि कितना बिल जनरेट हुआ? कोई रीडिंग करने नहीं आता है, बिल बांट के चला जाता है और बताता है कि कोई कुछ नहीं बोलता है। मोटर को लेकर धान की समस्या क्या आ रही सामने? धान रोपा लग गया है, लगने के बाद पानी है, धान हमारा सूख रहा है, हमारा 1-1.5 लाख नुकसान हो रहा है इस साल में। इसी तरह विद्युत लेकर के न लाइट रहती है, 160-150 कभी कभी रहता है, मोटर चल नहीं रही है एक भी हमारी। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि बिजली हमारे यहाँ कम से कम जो न्यूनतम रेट हो 120 होना चाहिए हरदम के लिए। अगर 220 नहीं रहेगा, 120 रहेगा तो हमारी मोटर नहीं चल पा रही है, हमारी धान सूख रही है, हम लोग किसान हैं मर जाएंगे। 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख की धान बेचते हैं तो ना कि बड़ा सूख जाएगी, क्या मतलब किसान का देखिए, ना बिल हमारा बिल इतना आ रहा है, बिल भी इतना आता है।
इससे पहले भी आपके यहाँ एक समस्या आ रही थी कि खंभे लग गए थे और ट्रांसफार्मर नहीं लगा था और बिजली आपके यहाँ चालू नहीं हुई थी और बिल तो भी आ रहा था। हमारे यहाँ कुछ हुआ था क्या आपके साथ? हमारे साथ जो है साल भर पहले हमारे यहाँ मतलब खंभा इशू हो गए थे, गड़ चुके थे, ट्रांसफार्मर लग चुका था सात संतरा, और हमारे यहाँ ना ट्रांसफार्मर लगाया था ना उसमें खंभे गाड़े गए थे। साल भर बाद ही हुआ था जबकि हमारा बिल आता था उसमें, और जो है जिसमें 9 पोल हमको दे दिए गए थे, 8 पोल ही दिए गए, आज भी 8 पोल हैं इसमें। कई बार कहने पर ठेकेदार जो था उसे पैसा मांग रहा था, हमको 20,25,000 दीजिए नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। इसे कई अधिकारियों से जेई से अपनी बात किया, जेई ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, और आज भी खंभे हमारे 9 के बजाय 8 ही खंभे गाड़े गए हैं इसमें।